हाँ तो दोस्तों, करूर विश्या बैंक के क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको करूर विश्या बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% से यहाँ पे बैंक की टोटल लोन बुक ग्रो हुई है और ये नंबर आया है 55,793 करोड़ पे। तो देखा जाए तो लोन बुक अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आ रही है। और ये अगर हम कंपनी के करंट अकाउंट के डिपॉजिट की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 12% से बड़ा है और ये नंबर आया है 24,128 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ये 12% का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ का नंबर है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट बैंक के अच्छे तरीके से इम्प्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर है वो बैंक का इम्प्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो बैंक का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे एट द एंड टोटल डिपॉजिट की अगर हम बात करेंगे तो ये पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% हमें यहाँ पे बैंक का टोटल डिपॉजिट बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 66,871 करोड़, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो लगभग 24,000 करोड़ का यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट में यहाँ पे हमें नजर आता है। यानी कि जो कासा रेशियो यहाँ पे बैंक का निकल कर आता है अराउंड 36% का यहाँ पे कासा रेशियो बैंक का। तो देखा जाए तो जो एक स्मॉल बैंक है 1,00,000 करोड़ से कम का डिपॉजिट इस बैंक के पास है तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 36% का जो यहाँ पे कासा रेशियो ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन ऑल दो अगर हम देखेंगे जो लोन ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे जो फेडरल बैंक के नंबर्स आए थे तो उसके कंपेरिजन में लोन ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन बैंक की काफ़ी अच्छी है, डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो बैंक ने कम लोन दिए हुए हैं। अभी भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ की यहाँ पे बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो ये आने वाले टाइम पे हमें ये चीज़ वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिपॉजिट अच्छे अच्छे ग्रो होंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे बैंक इजीली वहाँ पे लैंड कर पाएगा और इजीली लैंडिंग अगर वहाँ पे होती है तो वहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक के इम्प्रूव होंगे और नेट प्रॉफिट भी हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए 46 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 2.5% ये स्टॉक आज ऊपर है तो 146 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं और जो अगर हम देखेंगे जो कमर्शियल लोन और जो कॉरपोरेट लोन है तो वहाँ पे काफ़ी प्रोविजनिंग वगैरह हुई है, तो इसीलिए बैंक को इतना देखा जाए तो इतना अच्छा है रिटर्न यहाँ पे बैंक ने नहीं दिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी इस बैंक का फोकस भी अभी रिटेल लैंडिंग पे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो लगातार जो कमर्शियल लोन्स और कॉरपोरेट लोन्स के ऊपर जो फोकस है वो लगातार कम हो रहा है और अगर हम लैंडिंग के ऊपर देखेंगे जो न्यू लोन यहाँ पे ये बैंक दे रहा है तो वहाँ पे रिटेल लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर रिटेल लैंडिंग जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी और वहाँ पे बैंक नेट प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएगा, तो इसीलिए ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए और एक देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे क्वार्टर थ्री के जो बिजनेस अपडेट चाहिए आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।